दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड हैकिंग और ये किस तरीके से हैक हो सकता है। गाइस सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हम जब भी अपना पासवर्ड कोई क्रिएट करते हैं, स्पेशली इंटरनेट बैंकिंग या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल कोई मनी ट्रांसफ़र वगैरह हम करते हैं, उसके लिए हम कोई पासवर्ड सेट करते हैं, तो गाइड उसके लिए सबसे पहले हमें श्योर होना चाहिए कि पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग तरीके का हो। अगर पासवर्ड हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी कैपिटल लेटर वगैरह यूज़ कीजिए, स्पेशली आप अपने नाम का मत कीजिए, कोई भी इस तरीके का कीजिए जो कि कोई गैस भी ना कर पाए। ओके गाइस, और उसमें हमें सबसे पहले जो स्पेशल करेक्टर होते हैं लाइक @#$ एंड परसेंटेज वगैरह, जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उन्हें हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। ओके, एक से दो तीन बार हमें यूज़ करना चाहिए, उसके बाद कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में यूज़ ना करें। डेट ऑफ बर्थ काफ़ी लोग यूज़ करते हैं पासवर्ड में, वो ना यूज़ करें। आप कोई रैंडम से डिजिट यूज़ करें अपने पासवर्ड में, तो गाइज इससे काफ़ी कम खतरा रहता है कि हमें भविष्य में कोई भी फ्रॉड ना देखने को मिले या हमारा पासवर्ड हैक ना हो। अब गाइज बात करते हैं फिशिंग। ये फिशिंग क्या होता है दोस्तों? दोस्तों फिशिंग एक तरह का साइबर क्राइम होता है जिसमें ईमेल और कंप्यूटर में खुली हुई वेबसाइट का उपयोग करके आपकी पर्सनल डिटेल चोरी की जाती है। इन डिटेल के माध्यम से गाइस हैकर जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंकिंग पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड या ऐसी अन्य फाइनेंशियल जैसे डेबिट कार्ड के पासवर्ड आदि प्राप्त करता है, तो गाइस इसे कहते हैं फिशिंग। दोस्तों फिशिंग में हैकर क्या करता है कि किसी भी जो चीज़ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइक पेटीएम हो गया या गूगल पे या इंटरनेट बैंकिंग जैसी, एक हूबहू सेम टू सेम उसी तरह की एक वेबसाइट कोडिंग करता है और उस वेबसाइट का URL आपके जीमेल या मैसेज के थ्रू आपके पास सेंड करता है। और हम क्या करते हैं गाइस, उस पर क्लिक करने के बाद अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो उस पर इनपुट कर देते हैं, उसके बाद सबमिट कर देते हैं और गाइस वो सारा डेटा होता है वो हैकर्स के पास चला जाता है। तो इस पे हमें क्या करना है कि हमें कभी भी किसी भी जीमेल की जो लिंक्स होती हैं उन पे क्लिक करके अपना फाइनेंशियल डेटा वहां पे इनपुट नहीं करना है। हमें तो हमेशा अपना एक नया URL ओपन करके ही, और हमेशा मेक श्योर कर लें कि जब भी आप कोई भी URL या वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो उसके लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट करके ज़रूर ओपन करें। आप या कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे लास्ट में हमें यूज़ करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट। उससे क्या होता है कि आप उस चीज़ के जिस पे आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो उस पर गाइस काफ़ी खतरा कम हो जाता है। और गाइस एक चीज़ और श्योर कर लें कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर अपना फाइनेंशियल डेटा इनपुट करते हैं तो वहाँ पे उस वेबसाइट का URL जो होता है वहाँ पे एक लेफ्ट कॉर्नर में HTTPS होता है और एक कनेक्शन का निशान होता है। अगर गाइस वहाँ पे नॉट सिक्योर लिखे आ रहा है दैट मीन्स आप वहीं पे श्योर हो जाइए कि ये वेबसाइट जो है जहाँ पे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो सिक्योर नहीं है। वहाँ पे एक SSL सर्टिफिकेट होता है वो उस वेबसाइट की सिक्योरिटी को दर्शाता है, तो गाइस स्पेशली हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा सेकेंड टिप्स है सिक्योरिटी ऑफ ईमेल, ईमेल की सुरक्षा। गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ईमेल। गाइस जैसा कि आपको भी पता होगा ईमेल पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट सेव हो जाते हैं, ईमेल जो कि हमारे जो भी सेंट आइटम होते हैं या स्पैम होते हैं या हमारे जो फ़ोटोज़ होते हैं वगैरह, हम काफ़ी कभी बार लिंक बनाकर गूगल ड्राइव से लिंक बनाकर हम अपने ईमेल पे अपलोड कर देते हैं। तो गाइस अगर से बचने के लिए हमें हर टाइम अपने ईमेल का जो पासवर्ड है वो चेंज करते रहना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी आपके सेंट आइटम्स होते हैं उन्हें डेली चेक करें गाइस, उन्हें डेली चेक करें और जो आइटम जो अटैचमेंट आपके द्वारा नहीं भेजे गए हैं उन पर ध्यान दें और तुरंत अलर्ट हो। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि ईमेल आईडी हैक होने के बाद पासवर्ड जो हैक होने के बाद हैकर क्या करते हैं और आपका पासवर्ड चेंज करने की कोशिश नहीं करते, वो डायरेक्ट यूज़ करने लगते हैं। तो गाइस ऐसी सिचुएशन में हमें तुरंत पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए या हमें लॉग आउट एवरीवेयर कर देना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक रीज़न के साथ भी फ्यूचर में या पास्ट में ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ इस टेक्निक को अपनाएं, और अगर पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि
क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड के बारे में। गाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे कैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। और इसके लिए गाइस इस फ्रॉड के लिए हैकर जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था फिशिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। और दोस्तों आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि इसके लिए बैंकों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में जो बैनर लटके होते हैं और वो लोग कॉल पे भी करते हैं कि बैंक कभी भी आपकी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता। उसके अलावा भी कुछ लोग हैकर्स के छलावे में आके अपनी पर्सनल डेटा जो है वो दे देते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद उनके पास मैसेज आता है कि उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। हालांकि गाइस इसका बेहतर यही होगा कि आप कभी भी अपने फ़ोन की, यही बात मैं कहना चाहूँगा, कभी भी फ़ोन की व्यक्तिगत जानकारी ना दें, चाहे कोई लाखों रुपए या करोड़ों रुपए की बात देने का दावा क्यों ना कर रहा हो। दोस्तों नेक्स्ट टिप जान लेते हैं अपने स्मार्टफोन और टैबलेट सिक्योरिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बात साफ़ है कि आपका स्मार्टफोन आप केवल फ़ोन नहीं है गाइस, वो एक चलता फिरता लैपटॉप्स या कह लो कि पॉकेट कंप्यूटर है। यहाँ जरा गौर कीजिए, आपके स्मार्टफोन में वह सारे एप्लीकेशन और OTP के लिए सिम तक मौजूद हैं जिसकी हैकिंग और भी आसान हो जाती है, जिसके लिए आपको कहीं ज़्यादा सजगता की आवश्यकता नहीं हो। जैसे आपने नोटिस किया होगा कई लोग बैंकिंग के लिए ऐप्स फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं जो कि उनको सहूलियत तो अवश्य ही देता है, किंतु अगर आपका फ़ोन सुरक्षित और कोड से लॉक नहीं है तो किसी के हाथ में लगने से काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। हाँ एक पॉइंट और नोटिस करने वाली बात ये है कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में, मीटिंग में, सिनेमा में, जहाँ कहीं भी जाते हैं फॉर एग्जांपल, फ़ोन हमारे साथ ही होता है और कई बार ऐसा होता है कि हमारी ही गलती से वह कहीं छूट जाता है, ऐसा होता है गाइस। तो कई बार उस पर गलत लोगों की भी नज़र पड़ जाती है या गलत लोगों के अगर हाथ में पड़ जाता है तो गाइस इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी जो मेल, आपके सोशल अकाउंट्स, पर्सनल फोटोज, बैंकिंग एप्लीकेशन का एक्सेस भी उस व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जिसको आपका फ़ोन मिला है। तो गाइस ऐसी में ज़रूरी है कि आप लॉक कोड, अपनी मोबाइल ब्राउजिंग ट्रैकिंग को ऑफ करना, रिकवरी ऐप इंस्टॉल करना और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑनर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल में होती है वो सेव करना, ऑनर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मोबाइल में सेव रखना। इसी बढ़कर गाइस फिजिकली अपने फ़ोन को आप सबसे सुरक्षित रखना सीख जाएं तो काफ़ी बेटर होगा आपके लिए। और गाइस लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, हमें जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो मेक श्योर कि वो हमेशा प्ले स्टोर या अगर आप आईफोन हैं तो एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड करें, अदरवाइज किसी भी ब्राउजर से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका यूज़ ना करें। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो प्लीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है और कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।